माँ की यादें लौट चुकी हैं। उसे अपने पिछले जन्म और इस जन्म की सारी बातें याद आ गई है और अब वो अपनी बहन को वो सारी बातें बता रही है कि किस तरह से वो और राज मिले थे, बाद में उनके बीच साजिशें करके उन्हें जुदा किया गया और पूर्णिमा को मार दिया गया, जिसके बाद उनका दूसरा जन्म हुआ। अक्का आपने कहा था ना कि चाइना जी, अक्का आपने कहा था ना चाइना जी, जानती हूँ जिस चाइना पर राज इतना भरोसा करते हो उससे राज के पैसे चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। अगर चाइना को पता चल गया कि मैं वापस आ गई तो फिर राज के साथ कुछ कर देगी। वो का क्या होगा देखो। ये सोच कर भी मुझे बहुत बहुत घबराहट होती है। वो बहुत समझदार है। देखा वो आपके पास आई, आपने अकल को अपने अकल की गर्दन पर किसी की वापस की। मैं पूछना ही हूँ, विश्वास करिए। और देखा वो अपनी बहन के पास गई। नहीं क्या देखा वो सारी सत्य दूसरा जन्म होने के बाद भी उन दोनों को मिलने नहीं दिया गया। लेकिन अब जबकि पूर्णिमा की यादें लौट चुकी हैं, तो इसीलिए वो अपने राज के जिंदगी में वापस लौटना चाहती हैं। लेकिन अभी भी शायना कुंडली मारकर उन दोनों के बीच बैठी हुई है। साल पहले उन लोगों ने अपन को मार दिया था और उसके बाद राज बहुत तड़पे, अपन का बहुत इंतजार किया और वही इंतजार अपन को यहाँ राज के पास ले आया। बहुत तकलीफ दी है मैंने राज को। मायने सिखा सच्चे प्रेम का मतलब राज ने ही सिखाया अपन। उनको अपने प्रेम के बदले सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए था और कुछ भी नहीं। राज ने सिखाया कि मदद एहसान नहीं, इंसानियत का दूसरा नाम होता है। हमेशा अपन का साथ दिया राज ने, हर तकलीफ से बाहर निकाला अपन को। जब राज अपन को मिले थे उन पर भी विश्वास नहीं था मेरा। हर कदम पर राज की नियत के इरादों को आजमाया अपन ने। क्या करूँ, जिंदगी ने कड़ा सबक सिखा दिया था अपन को। पर राज ने हर बार अपन का साथ दिया है। अपन को यकीन दिलाया सच्चे प्रेम से बढ़कर और कोई ताकत नहीं होती। वो फिर वापस आपके पास आई, अपन की मौत के बाद भी उन्होंने मेरी रूह से बात करने की कोशिश की। अपन को वापस लाने के लिए मना लिया उन्होंने। और वैसे बाबा जी बोले, राजा तुम्हारे बीच का संबंध जीवन और मृत्यु के पड़े हैं, इसीलिए राजा तुम्हारा बंधन जीवन और मृत्यु से भरे है। राज और तुम्हारा बंधन जीवन और मृत्यु के परे हैं,
इसलिए जिंदगी की दूसरी ओर रहते हुए भी तुम उससे मिलने आई और मौत के बाद भी तुमने उसे अपने होने का एहसास दिलाया। कैसे नाती, वचन दिया था और इस बार भी इन दोनों की मदद की है तांत्रिक बाबा ने, और उन्हीं के चलते पूर्णिमा को वो सारी बातें याद आई जो कि वो अपने पिछले जन्म में भूल चुकी थी। अब देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब जानने के बाद अब क्या पूर्णिमा राज को भी वो सारी बातें बताएगी और उन्हें एहसास दिलाएगी कि वही उनकी पूर्णिमा है। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जय शोबिज़।